आखिर कौन है जॉय बॉय वन पीस में, और 800 सालों के बाद लूफी ही क्यों बना जॉय बॉय। सो गाइस वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ वन पीस, एंड आज वाली वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इज द टर्म जॉय बॉय। तो बेसिकली जॉय बॉय एक टाइटल है वन पीस में, और ये टाइटल उसे ही मिलता है जिसने हितो हितो नामी टाइप के डेविल फ्रूट को अवेकन किया होता है। और हाँ, ये वही डेविल फ्रूट है जो लूफी ने खाया था। और आगे जाके जब लूफी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तब जुनेसा उसे जॉय बॉय के नाम से बुला रहा होता है, एंड वो इस फॉर्म को नाम देता है गियर 5। एंड लूफी इस फॉर्म में लिटरली कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग पॉसिबल। जैसे वो एक बड़े से जायंट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कैसे काइडो को इधर उधर पटक पटक के मार रहा होता है एंड उसे खींच रहा होता है। और इसके अलावा बेसिकली वो सब कुछ कर सकता है, एंड ये इसका पीक पॉइंट है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 800 सालों के लंबे टाइम स्पैन में सिर्फ लूफी क्यों बना जॉय बॉय। तो आंसर इज प्रीटी मच सिंपल, इट्स ऑल बिकॉज लूफी डिजायर। एंड तुमको पता ही होगा लूफी का ड्रीम क्या है, इट इज टू बी फ्री। तो इन माई ओपिनियन निका फ्रूट बस उसी बंदे के लिए अवेकन होता है जिसका ड्रीम या फिर डिजायर होता है फ्रीडम या आजादी का। और 800 साल पहले ये सेम डिजायर या चाहत फर्स्ट जॉय बॉय में भी था, एंड उसके बाद अभी तक किसी में भी ये फ्रीडम का डिजायर था ही नहीं। बट एज यू नो टाइम चेंजेस इन लूफीज केस, और ये मेरे हिसाब से एक तगड़ा पॉइंट था आखिर लूफी जॉय बॉय ही क्यों बना। और अब बात करें अवेकन निका फ्रूट यूजर को ही जॉय बॉय क्यों बुलाते हैं, क्योंकि चैप्टर 1044 में गोरोस्के ने कहा था कि सन गॉड निका अपने आसपास के लोगों के चेहरे में स्माइल ले आते हैं, जो कि हमने एपिसोड 107 में विटनेस भी करा था। एंड एज यू ऑल नो लूफी का ड्रीम क्या था, विच इज फ्रीडम इक्वालिटी एंड पीस। और ये सेम ड्रीम ग्रेट पायरेट गोल्डी रॉजर का भी था। और हाँ, ये थ्योरीज मैंने रेडिट से उठाई है, और ऐसी थ्योरीज इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है जिसके कारण रियल ऑनर को क्रेडिट देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। So guys, that's it for today's video. And अगर आज वाली वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में तुम्हें रेगुलर जुजुत्सु कैसेन, वन पीस, डेमन स्लेयर जैसे पॉपुलर एनिमेस के थ्योरीज एंड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, काइंडली सब्सक्राइब। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, पीस आउट।